सलाम करो रे। अच्छा आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल में मजा आता है? स्कूल में मजा आता है बड़े ना, स्कूल में मजा आता है? हम जा रहे हैं स्कूल। अभी नाराज हो आए हो? देखो भैया नाराज हो गए। भैया आप बोलो, आप चलो भैया नाराज नहीं होते, बताओ कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। मुझसे वाला भी आएगा, कारी साहब होते, कारी साहब भी आएंगे। चलो अल्लाह हाफिज़ कर दो। रैन अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़ मीरू, आप भी इधर देखो। अलमीन इधर देखो, इधर सामने हो ना। मुझे बैठने तो दो। अल्लाह हाफिज़। चलो बैठो मीरू, बैठो। चलो 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 शाबाश। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हूँ। नज़ला और गला ख़राब मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और अभी जो है हम नाश्ता वाश्ता करके सोएंगे। आज वैसे फ्राइडे है तो बच्चे भी जल्दी आ जाएंगे, उनको लंच वगैरह दे के मैंने स्कूल रवाना कर दिया है। अब जो है क्या कहते हैं, हम लोग सो जाएंगे। वैसे तो लेट उठते हैं, आज जो है तो फ्राइडे है, जल्दी उठना है। एक आज हमने गाँव जाना है, अगर तबीयत बेहतर हुई तो मैं गाँव जाऊँगी। वैसे सब कह रहे हैं ज़रूर चलो तो जाना भी पड़ेगा। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है अगर गई तो फिर उसका ब्लॉग भी बना देंगे। वैसे तो मैंने आपको पहले दिखा दिया है, लेकिन आज की डेली रूटीन में वो भी शामिल होगा। जो जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर नहीं भी गई तब भी जो डेली रूटीन है वो तो शेयर करूँगी। कोशिश करूँ कि डेली का डेली ब्लॉग बनाऊँ। मूवी सही से नहीं गया, काजल शाजल सब कुछ फैला हुआ है। चलें ठीक है, अब नाश्ता मंगवाया, फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके फिर हम लोग दोबारा से सो जाते हैं। आज रात हम सो गए थे, नहीं तो डेली ये होता है कि बच्चों को भेज के ही सोती हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी तो आज रात थोड़ा सा सो गए थे। इरादा था बच्चों को छुट्टी करा लूँ, फिर मैंने सोचा बच्चों ने वैसे भी उठ ही जाना है, तंग करना है, तो इससे अच्छा इनको स्कूल भेज के फिर सो जाती हूँ। अब ये जो है नाश्ता करने लगे हैं, सोहेल पराठे चने, और ये वाली दाल का किस किस को पता है? ये चाट मसाला और नींबू डाल के खाते हैं, बिल्कुल फीकी होती है पत्नी, इनको पसंद है, मुझे फीकी चीज़ें नहीं पसंद। और ये है जी मीठी लस्सी। किसी ने नाश्ता करना है तो आज। और अब मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ चाय, और गैस देखें कैसे आ रही है। मुझे लगता है गैस के जाने का बिल्कुल टाइम हुआ हुआ है, बस मेरी चाय बन जाए, नहीं तो सिलेंडर चलाना पड़ेगा। तो इनको देने लगी हूँ जी मेडिसन्स। एक तो ये मेडिसन्स जान नहीं छोड़ रही, कब से दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और अब ये मेरा नाश्ता आ गया है। मेरे नाश्ते में होता है जी हलवा, सॉरी ये है हलवा चने, और ये है जी इसकी पूड़ी। और मैं लस्सी नहीं पी थी इसलिए मैं चाय पीऊँगी। किसी ने खाना है तो आ जाओ। क्या हुआ है? मुझे तब चल रही है मम्मी जी, तो मेरे भी दो मुझे और कुरैन और मुझे छोड़ के ये सब लोग चले गए हैं ना, हमें नहीं लेके गए। ओए अब क्या करें, अफ्रीका से जाएंगे बाहर। हम कैसे जाएंगे? अबे कुंडी बंद कर दिया है। कुंडी बंद कर दी है? कुंडी बंद कर दिया है, चाबी भी नहीं है। चाबी भी नहीं आपके पास? चाबी भी नहीं है मेरे पास। ऐसा देखे अब क्या करें? काते पे घूमेंगे काते। और हुरैन की अलमीर किधर है? अलमीर एक बाग पे पिए गया। अलमीर भी साथ गया? बाबा बाबा भी गए, दादू भी गए, कैब गया, अब हम लोग गए। हम लोग हैं बस घर में, और कोई भी नहीं है? अब कोई नहीं है, पे मेरे रहते नहीं, मैं रोने लेके नहीं जाए। हम रोएंगे कैसे? कैसे रोएगी हुरैन? अच्छे रोगी मैं। कैसे रोगी? अच्छे रोगी मैं। और ये आज बना हुआ है जी चिकन पुलाव, आज ये बना हुआ है। आप खाना खाते हैं, खाना मेरा आ चुका है।
इसके बाद चाय पियेंगे। तबीयत मेरी ख़राब है और मैं नहीं गई जहाँ जाना था। और ये सुहेल के जो वो कपड़े, किसके कपड़े? स्वेटर ये। सुहेल कौन है? नहीं, बाबा गए हैं। बाहर गए बाबा। ये सुहेल के जो कपड़े सारे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस्त्री होके आ गए। ये इजी हो गया अब रमजान में जी, जब दिल करे निकालो और पहन लो। इधर कुरान के रख दिए जी नूडल्स, क्योंकि कुरान खाती है सिर्फ नूडल्स और इससे कुछ खाया नहीं जाता। इसके दांत नहीं है, है ना कुरान? ये हाँ। कुछ नहीं खाती, बस इसको फीडर हो और क्या हो, सारा गिर जाएगा, छोड़ दो। और ये मैंने जी चढ़ा दी है कबाब का मिक्सचर, दाल और कीमे के कबाब जो होते हैं वो बना दे रखी हूँ, क्योंकि कल जो है कोई गेस्ट आने वाले हैं। बस ये कहती है हाँ। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे सिखा रही है जी व्लॉगिंग और इसका शौक। आप पीछे के खड़े हो, ठीक है। और अब जो है क्या कहते हैं, ये नूडल्स बन रहे हैं, ये हमारे जी कबाब बन रहे हैं। कल दावत में जो जो कुछ होगा आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और आज मैंने कुछ भी नहीं किया, तबीयत मेरी संभलने भी नहीं आ रही। मैं लोगों के साथ आज गाँव भी नहीं गई, मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग जाए। और अभी मैंने मुँह हाथ धोया है, थोड़ी सी फ्रेश हुई हूँ और बस मैंने कहा कुछ थोड़ा सा किचन में देख लें, क्योंकि कल अगर दावत की तो फिर थोड़ा सा काम अब करके रखूँगी, थोड़ा सा काम कल करूँगी। मेहनत बहुत हो जाती है दावत वगैरह में, तो बाकी जो है क्या कहते हैं ना, कुछ करने को दिल कर रहा है। लेटूँगी तो ऐसा लगता है कि और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी, इसलिए उठ के बैठी हुई हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि इधर उधर दिल लगाऊँ। घर में आज कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और हुरैन अकेले हैं, बाकी सब लोग गए हुए हैं। और हुरैन मेरा सर खा गए कह कह के कि ये हमें छोड़ गए हैं, हमें कोई नहीं लेके गया, अभी हमें कहीं बाहर घुमाने लेके जाओ। लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, 8:30 हो गए, मुझे लगता है इन लोगों को आते आते घर 10 बज जाएंगे। अब एक तरफ मैंने कहा जी अपनी चाय बना लेती हूँ, अपनी चाय रखी हुई है, और इस तरफ जी बन रहा है ये। अब मैंने इसमें सारे मसाला चार डाल दिए, पहले तो कुछ भी नहीं डाला था, डाल दिया कि पक जाए, तो देखते हैं जी कैसे पकते हैं, अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, तो कबाबों वाला जो मिक्सचर था वो पक चुका है, रेडी हो चुका है, इसको इसमें करते हैं ग्राइंड। ये ग्राइंड होती है तो उसके बाद कबाब बनाते हैं। अब ये मिक्सर मैंने पीस लिया है, अब इसमें मैंने हरा धनिया, पुदीना, थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि इसमें गरम मसाला मैं कुटा हुआ नहीं डालती, हल्की सी मैंने और मसाले ऐड किए हैं, और आप ये बनाते हैं टिक्किया। ये देखें जी मैंने कबाब के जो कबाब बना लिए टिक्कियाँ। यार ये मुझे बनानी नहीं आती थी, बड़ी कोशिश करके गोल गोल बनाई है, बताओ सही बनाई है? अभी और बना रही हूँ, बताओ सही बनी है? गोल गोल मम्मी की रोटी, गोल गोल पापा का पैसा, गोल गोल, आप बताएं सही बनी है? आज भी कहीं से आए हैं पाए, किसी ने खाने हैं तो आ जाओ। किस किस को पसंद है पाए? मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं सोच रही हूँ कि ये भी जेलीज जो है ना अभी बना के रख दूँ, क्योंकि कल दिन में गैस नहीं होगी, सिलेंडर पे ही बनाना होगा सब कुछ, तो अभी सिलेंडर फ्री है, ये बना के फ्रिज में रख देते हैं। कल फिर इसका कुछ मीठा शीठा बनाएंगे, जो जो बनाऊँगी कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ओके जी, आज का दिन भी टायर्ड गुजरा, तबीयत ख़राब में गुजरा, दुआ करिएगा कल तक मैं ठीक हो जाऊँ। मैं ठीक होंगी तो कल ही तरह खाना पकाना करूँगी, जो जो करूँगी आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। बच्चे सो चुके हैं और कल बच्चों की स्कूल की है जी ऑफ, कल सैटरडे है तो गैस नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती, सारा दिन नहीं होती, शाम में 6 बजे आती है। अब डिनर बनाना हो तो 6 बजे तो स्टार्ट नहीं करेंगे, और 2-3 आइटम मतलब 2-3 डिशेज़ बनानी हो तो वो तो वैसे भी टाइम लगता है, तो कुछ सिलेंडर पे बनाएंगे, कुछ अभी करके रख लिया है, कुछ कल करेंगे इंशाल्लाह ताला ने चाहा तो सब अच्छे से हो जाएगा। और सारा वीडियोस मैं शूट करूँगी, बनाते हुए करूँ या ना करूँ, पक्की हुई चीज़ें आपको ज़रूर दिखाऊँगी, कैसी है बताना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, और बस आप सब ने हम सब के लिए दुआ करनी है, मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। और रोज़ा भी बस आया, या तो संडे को है या फिर मंडे को है, अब ये तो कंफर्म नहीं है, जैसे ही होगा वो भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। आज के लिए जो जो छोटे छोटे क्लिप्स मैं घर में रह के बना सकती थी वो मैंने बना लिए हैं, और मज़े की बात एक ही ड्रेस में फिर 2 व्लॉग हो गए। मतलब इतनी आलसी हुई थी आज, दिल ही नहीं किया चेंज करने का, तो इंशाल्लाह ताला कल नए कपड़ों में बना लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ, अल्लाह हाफिज़ से पहले मेरे चैनल को जो न्यू आ रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और अच्छी अच्छी बातें करें, और अच्छी अच्छी सी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।